हैं, आर्टिफिशियल बढ़ा दिए गए हैं, नए नए पेंगुइन्स आए हैं, देखा जाए तो बहुत सारे क्या नाम है, स्नो भी थोड़े चेंज हुए हैं, आइस स्केटिंग भी है, स्लेजिंग एरिया भी है और अपना बोर्डिंग भी है, तो उसमें चेंजेस हैं, वो सब कस्टमर इंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए क्या खास ध्यान रखा गया है? बच्चों के लिए खासकर सेफ्टी रखा गया है, बच्चों के लिए खासकर स्टाफ को हम लोग पर्सनली भेजते हैं ताकि वो इंजॉय भी कर सके, उनको तकलीफ भी ना हो, अगर तकलीफ हुई तो बाहर लेके आ सकते हैं, तो 5 मिनट वगैरह बाहर रोक के फिर वापस अंदर लग सकते हैं। अच्छा, बर्फ भी गिरता है, टेम्परेचर किस तरह से मैनेज किया जाता है? वो सर मशीनों के ऊपर होता है, वो टेम्परेचर सेट हो जाता है -10 पे, तो -10 पे ही रहता है, उससे ना नीचे होता है ना ऊपर होता है। और बर्फ भी गिरती है, वो किस तरह से होता है? वो उसके लिए स्नोफॉल होता है सर, पानी और हवा के दाब से होता है, वो टेम्परेचर को ही उसमें मेंटेन हो जाता है।